हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल शिवानिश कॉर्नर आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा सा टेस्टी सा क्रिस्पी सा स्वीट कॉर्न एंड पैटो चाट चाट लेके आई हूँ जो कि बहुत ही यमी है खाने में एंड बहुत ही चटपटा है आ, इसको बनाने के लिए जो सामग्री लगती है उसका डिस्क्रिप्शन एंड पूरी विधि मैं आपको बता रही हूँ तो उस सही सही बनाने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहो ताकि आपका ये चाट बड़ा ही टेस्टी सा बने तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक भिगोने में थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर अपने कॉर्न को बॉईल कर लेंगे इस चाट के लिए मैंने एक कप कॉर्न लिया है तो आधे चम्मच हल्दी और आधे चम्मच नमक के साथ इस कॉर्न को हम बॉईल कर लेंगे चार से पाँच मिनट बॉईल करने में लगता है बॉईल करते समय देखना पड़ता है कि आपका कॉर्न अच्छे से पक गया है कि नहीं कॉर्न हमेशा स्वीट कॉर्न लीजिए जो कि थोड़ा सा मीठा होता है कड़क कॉर्न आप मत लेना तो इस तरह हम अपने कॉर्न को डाल देंगे फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कीजिए कमेंट्स भी डालना कि आपको कैसा लग रहा है देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा कॉर्न बॉयल हो रहा है तो इसको तीन से चार मिनट हम अच्छे से बॉईल करेंगे ताकि हमारा जो कॉर्न है वो बहुत अच्छे से पक जाए और वो मीठा भी बना रहे बहुत जैसे इसमें अगर आपने बहुत ज़्यादा नमक डाल दिया हो या बहुत हल्दी डाल दी हो तो वही टेस्ट ख़राब हो जाता है तो इसलिए एकदम हल्का सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा हल्दी डालेंगे हल्दी डालने का कारण ये है कि इसका कलर बड़ा खूबसूरत सा आता है देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने इसको अच्छे से बॉईल कर लिया है तो आप इसको थोड़ा सा स्टिर करके चेक करते रहिएगा कि आपका ये कॉर्न पका है कि नहीं एक कॉर्न को लेके आप जस्ट उंगलियों में प्रेस करो अगर वो अच्छे से टूट जाता है दैट मीन्स कि आपका कॉर्न पक गया है तो आप इसको निकाल लो एक बर्तन में पानी की जरूरत नहीं है देख सकते हैं ये अच्छे से पका हुआ है तो इस तरह आप उसको पका लो अच्छे से ज़्यादा देर नहीं लगता है तीन से चार मिनट लगते हैं इसको पकने में कि कॉर्न ऑलरेडी बहुत ही मीठा और किच्चा होता है तो इसको हम निकाल लेंगे हल्दी देके बॉईल किया है तो देख सकते हैं फ्रेंड्स का कलर कितना खूबसूरत आया है एंड ये चाट भी आपको क्रिस्पी एंड कलरफुल अच्छा सा दिखता है तो इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे अभी हम अपने स्पून के हिसाब से इसमें सब कुछ डालेंगे तो स्पून का एक मेज़रमेंट होता है टेबल स्पून टी स्पून एंड वन फोर्थ का टी स्पून हाफ टी स्पून तो वो मैंने आपको स्पून दिखाया है तो इसमें मैंने मक्के का आटा यूज़ किया है अगर आपके पास मक्के का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर यूज़ कर सकते हैं मक्के का आटा क्या होता है थोड़ा सा ज़्यादा मोटा होता है तो ये क्रिस्पीनेस ज़्यादा लग के आता है इसलिए मैंने मक्के का आटा यूज़ किया है इसमें चीनी फ्लेक्स डाला दो टेबल स्पून मैंने मक्के का आटा डाला एक टी स्पून चिली फ्लेक्स डाला हाफ टी स्पून नमक डाला नमक ऑलरेडी नमक में डाल के इसको हमने बॉईल किया है इसलिए नमक आप कम डालना हाफ टी स्पून हमने इसमें चाट मसाला डाला है आमचूर पाउडर डाला है इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे जिसके कारण ये मिल जाए पानी में हम इसको मिक्स नहीं करेंगे मिक्स करने के लिए हमने जो यूज़ किया वो है थोड़ा सा ऑयल हमने इसमें डाला है तो ऑयल डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारा मक्के का आटा था जो मैंने लिया था वो इसमें अच्छे से चिपक जाए आपके कॉर्न में और फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ ड्राइड पुदीना पुदीने का पत्ता डाला है पुदीने के पत्ते का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो इसको बनाने के लिए अगर आपके पास ड्राइड नहीं है तो आपके पास गीला है तो आप उसका पेस्ट बना के डाल दो और आप ऐसे पुदीने का पत्ता जो रहता है ना उसको आप फैन के नीचे सुखा लोगे तो वो बहुत अच्छा सा ड्राई होता है और उसको आप प्रिजर्व करके रख लो बहुत दिनों तक रहता है तो वो मैंने पुदीना का पत्ता डाला है पुदीना के पत्ते का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है चाट में तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे थोड़ा सा और ऑयल डाला है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारा जो मिक्स करते समय कि हमारा जो मक्के का आटा है वो अच्छे से चिपका नहीं था तो इसमें थोड़ा सा और ऑयल डाल के मैंने इसको अच्छे से टैप कर दिया एक बर्तन में हमने कढ़ाई में तेल गरम किया है और इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम कॉर्न को फ्राई फ्राई कर लेंगे देख सकते हैं इसको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि ऑलरेडी हमारा कॉर्न पका हुआ है तो इसको आप मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लो लो फ्लेम में करने की ज़रूरत नहीं है मीडियम और हाई फ्लेम पे क्रिस्पी आता है क्रिस्पीनेस आता है जो कि आपके चाट में बहुत ज़रूरी है तो आप इसको मीडियम या हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लें फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मुश्किल से एक या डेढ़ मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाता है तो इसी तरह हम अपने सारे कॉर्न को फ्राई कर लेंगे ये जो चाट मैंने आपको बताया ये कॉर्न और पोटैटो चाट चाट है तो इसके लिए हमने पहले से दो तीन पोटैटो को बॉईल करके रखा है तो उस पोटैटो को भी हम इस चाट में यूज़ करने वाले हैं तो आप देख सकते हो कॉर्न कितना सुंदर सा कलर लेके फ्राई हो रहा है तो इन कॉर्न को हम जब हमारा फ्राई हो जाए तो हम इसको निकाल लेंगे इसके साथ में इस चाट में हम कुछ भी कच्चा प्याज या टमाटर नहीं डालने वाले हैं ये ऐसे ही बहुत क्रिस्पी होता है और बहुत ही टेस्टी बनता है तो ये हमारा हो गया है तो इसको हम निकाल लेंगे एक टिश्यू पेपर में रख के आप निकाल लो, जो कि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर आपका एब्जॉर्ब कर ले और ये आपका क्रिस्पी अच्छा सा नॉन ऑयली जब फ्राई किया है तो ऑयली लगेगा मगर अगर जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ये आपको खाते वक्त उतना ऑयली नहीं लगेगा तो इसी तरह हम अपने सारे कॉर्न को फ्राई कर लेंगे जब तक हमारा कॉर्न फ्राई हो रहा है हम अपने पोटैटो को भी प्रिपेयर करेंगे तो उसके लिए हमने क्या किया है पोटैटो को छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं बॉयल पोटैटो है ये कच्चा पोटैटो मैंने नहीं लिया है कच्चा पोटैटो भी आप यूज़ कर सकते हो बट उसको फ्राई करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि उसको पकना होता है ये ऑलरेडी पका है तो इसको जस्ट क्रिस्पी करना है हमें तो इसको भी वैसे ही जो हमारा कॉर्न का मिक्सचर था उसमें जो बच गया था हमारे कॉर्न फ्लोर थे और बाकी जो चीज़ें थी उसमें ही इसको मिक्स किया है अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा सा और ऐड करना है तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा सब कुछ फिर से ऐड कर देंगे तो देखा मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाला चिली फ्लेक्स से तीता भी होता है प्लस कलर बड़ा अच्छा आता है थोड़ा सा नमक डाला चिली पाउडर और चिली फ्लेक्स में यही अंतर है चिली फ्लेक्स जो होता है ना उसके जो ग्रैन्यूल्स ऊपर में चिपकते हैं ना तो वो बड़ा अच्छा सा टेक्सचर देते हैं बहुत अच्छा सा कलर देते हैं तो इस तरह इसको हमने मिक्स कर दिया इसमें कॉर्न फ्लोर नहीं ऐड किया क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा था और आलू ऐसे ही कलर लेके बहुत अच्छा सा क्रिस्पी हो जाता है तो मेन वाइज हमारा ये कॉर्न भी फ्राई हो चुका है तो इसको अब हम निकाल लेंगे इसी तेल में हम वापस अपने आलू को फ्राई करेंगे देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना सुंदर सा कलर आया है ये कलर थोड़ा इसलिए अच्छा आया है क्योंकि इसमें हमने बॉईल करते वक्त थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी तो कॉर्न के कलर के साथ वो हल्दी का भी अच्छा सा कलर आ गया है एंड ये आपका बड़ा ही आ, चटक रंग का दिख रहा है तो ये बड़ा अच्छा सा दिखता है चाट खाने का क्या है कि खाने में जो खाना है उसको पहले हम आँखों से खाते हैं अगर उसका कलर जो है वो अच्छा दिखता है तो हमें लगता है कि यहाँ यमी फूड है तो टेस्टी के साथ साथ थोड़ा सा कलरफुल भी अगर हम बनाएं खाने को तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में और उसको परोसने में और उसको सर्व करने में भी अच्छा दिखता है तो अब हम अपने पोटैटो को भी फ्राई कर लेंगे देख सकते हैं पोटैटो का भी कलर बड़ा अच्छा सा आ रहा है क्योंकि इसमें हमने जो मक्के का आटा डाला था ना कॉर्नफ्लोर जो आता है रिफाइंड वो वाइट कलर का होता है मक्के का जो आटा मैंने यूज़ किया वो येलो कलर का था तो वो भी इसको कलर प्रोवाइड कर रहा है बेसन नहीं यूज़ किया है बेसन और कॉर्नफ्लोर में दोनों के टेस्ट में ना फ़र्क होता है बेसन उतना क्रिस्पीनेस नहीं लग के आता है कॉर्नफ्लोर जब आप यूज़ करोगे किसी भी चीज़ को किसी चीज़ के बैटर को बनाने के लिए तो वो बहुत ही अच्छा सा क्रिस्पी होता है जैसे कि आप चावल का आटा यूज़ करते हो तो वो आपके डिश को जो बना रहे हो उसको क्रिस्पी कर देता है तो देख सकते हैं कितना क्रिस्पी सा हमारा पोटैटो फ्राई हुआ है तो इस तरह हम इस सारे पोटैटो को फ्राई करके उसको भी एक टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाए तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितना अच्छा सा ये बन गया है ये जो चाट मैंने बनाया है जो अमाउंट ली है वो दो बड़े लोगों के लिए काफ़ी है crisp, इन सबको हम एक मिक्सिंग बाउल में ऐड डाल देंगे अपने कॉर्न को भी जो फ्राइड कॉर्न थे उसको और फ्राइड पोटैटो दोनों को हम डाल देंगे एक्स्ट्रा ऑयल जो है हमारे ऑलरेडी टिश्यू पेपर में ऑब्ज़ॉर्ब हो गया है ये आपको ज़्यादा ऑयली नहीं दिखेगा आप तो इनको हम अच्छे से एक मिक्सिंग बाउल में निकाल देंगे अभी आप देख सकते हो ये थोड़ा ठंडा भी हो चुका है तो अब हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला फिर से ऐड करेंगे स्प्रिंकल कर लो आप ज़्यादा नहीं डालो जस्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे थोड़ा सा खट्टा होने के लिए इसको डाला है इसके साथ में चिली फ्लेक्स डालेंगे जो ऊपर से चिपका हुआ दिखे जब हमने फ्राई किया था तो उसमें कुछ थे जो अंदर से ले गए और कुछ तेल में रह जाते हैं तो वापस से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स दे दो तो ये बहुत ही अच्छा सा कलरफुल सा दिखता है इसके साथ में आप एक नींबू का रस लगेगा तो हाफ नींबू लेंगे थोड़ा सा नमक आप अगर आपको ऐड करना है तो आप थोड़ा सा नमक ऐड कर लो नमक ऐड करने से पहले टेस्ट कर लेना कि नमक कितना है क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले नमक दिया हुआ है और इसमें एक नींबू का रस डालेंगे जो कि इसमें और चटपटापन लेके आएगा अगर आपको थोड़ा मीठा पसंद है तो आप इसमें पीसी हुई हाफ़ टी स्पून चीनी भी डाल सकते हैं या हाफ़ टी स्पून थोड़ा सा आप हनी डाल दोगे तो भी इसका फ्लेवर अच्छा आएगा एंड नमक और खट्टापन सबको ब्लेंड कर देगा वो इस तरह हम इसको मिक्स कर देंगे नाउ इट्स रेडी टू ईट तो अब हम सर्व करने वाले हैं देख सकते हैं फ्रेंड्स इतना ही टेस्टी सा कलरफुल सा ये चाट बना है बहुत ही अच्छा लगता है खाने में शाम के स्नैक्स के समय टी टाइम पे आप इसको खा सकते हो बच्चों को बहुत ही पसंद है एंड प्लस ये बहुत न्यूट्रिशियस है इसमें जो कॉर्न है आलू है कुछ भी हमने अन या ऐसा फालतू सा कुछ भी नहीं डाला है बहुत ही टेस्टी है तो अभी तक आपने मेरी रेसिपी को देखा अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे रेसिपी को लाइक ज़रूर से करना नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो